हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। इंडियन तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगी पनीर की रेसिपी। जी हां, हम लोग कभी न कभी घर में पनीर बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम पनीर बनाते समय उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दें, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड ऑन कर दें, तो पनीर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लिया है। सबसे पहले हम दूध को गैस पे रख देंगे और इसमें बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। जब तक बॉईल आता है, हम इसे बीच बीच में ओकेजनली इसे स्टर करेंगे, नहीं तो नीचे जल जाएगा मिल्क। दूध में लगभग उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। ये मैंने डाल दिया है सॉल्ट, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर डाल दिया है, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और ये नींबू का जूस। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जब तक मिल्क कर्डल नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाएंगे, क्योंकि दूध हमारा फटने लगा है, पानी अलग हो रहा है। एकदम अच्छे से पानी अलग हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मसलिन क्लोथ यूज किया है। यहाँ हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। आप चाहें तो प्लेन पनीर भी बना सकते हैं और सारे स्पाइसेस जो मैंने बॉइलिंग के टाइम ऐड किए थे उस पे पानी निकालने के बाद आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके कपड़े को टाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम निचोड़ेंगे। यहाँ पर पानी अभी भी है, हमें इसमें से सारा पानी निकालना है। देखिए, इस तरह से हम पोटली बना लेंगे ताकि पनीर एक अच्छे सी शेप में सेट हो जाए हमारा। एक प्लेट पे मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर रख दिया है और उसके ऊपर मैं ये पनीर रखूंगी, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। इसे किसी हैवी वेट के नीचे मुझे दबा के रखना है। ये हैवी वेट रख रही हूँ ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा पानी है वो निकल जाए। इसे कम से कम 2 घंटे तक हमें ऐसे ही रखना है। अब 2 घंटे हो गए हैं, इसे चेक कर लेती हूँ मैं। देखिए, पनीर एकदम अच्छे से सेट हो गया है और इसमें स्पाइसेस जो दिख रहे हैं उन सबका फ्लेवर आया है। इसमें काफी सॉफ्ट बना है पनीर। मैं 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रखूंगी ताकि ये और अच्छा टाइट हो जाए। इसे 1 घंटे के बाद मैंने निकाला है फ्रिज से। अब मैं इसे काट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है पनीर में। ये पनीर आप चाहें तो इसके पकौड़े बना सकते हैं, इसको आप पनीर टिक्का बना सकते हैं या किसी भी चीज़ी डिप के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग लगता है, इसका टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाता है। आप चाहें तो कोई भी डिफरेंट स्पाइसेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो यूज़ किया था। आप चाहें तो जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पुदीना पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप टेस्ट इसमें डालेंगे फ्लेवर बिल्कुल वैसा आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।